ठीक है। तो भाई ये था वानप्रस्थ घाट, और जो वानप्रस्थ में रुके हुए हैं कुछ वीआईपी वही आरती कर रहे थे अपनी प्राइवेट। काफी कम लोग थे यहाँ पे। अभी चलते हैं आगे परमार्थ निकेतन में, देख लेते हैं क्या माहौल है। सामने गंगा वाटिका, द मोस्ट एक्सपेंसिव अपार्टमेंट ऑफ उत्तराखंड, चार चार पांच पांच करोड़ के पेंट हाउस है। सो ये परमार्थ के रूम है यहाँ पे, ये परमार्थ आश्रम। ये कौन सा है फिर? गीता भवन तीन है। अच्छा ये गीता भवन तीन है, ना? अच्छा तो परमार्थ ये वाला अगली बिल्डिंग से शुरू हो रहा है ना। हाँ ये गीता भवन था भाई। हाँ अभी आरती चल रहा होगा। तो भाई मेरे भी एक सब्सक्राइबर रुके थे, तो उन्होंने बोला था कि कभी भी थर्ड फ्लोर का रूम लेना, थर्ड फ्लोर से गंगा जी का व्यू आता है ना, बढ़िया आता है। तो ये परमार्थ निकेतन शुरू हो गया है, गंगा फेसिंग लेना और थर्ड फ्लोर पे लेना, पूरा व्यू आता है, बहुत बढ़िया रूम है। आरती में भी चलते हैं, इसका शॉर्टकट यहाँ से है। मेन गेट से तो आपको बहुत सारी फॉर्मेलिटी करनी पड़ती है, इस तरफ से ठीक है। गंगे गंगे यहाँ की भी वाइब दिखा देता हूँ, सुंदर नजारा, बेहतरीन, जानकी सेतु, वाओ। परमार्थ आरती यहाँ से ये नज़ारा बिल्कुल। ये भी गीता भवन का ही पार्ट है, और यहाँ से ये नज़ारा काफ़ी बढ़िया। सामने भी आरती हो रही है, रामझूला की लाइटें अभी नहीं जली है, बंद है पूरी। वहाँ पे जो आरती हो रही है वहाँ पे म्यूज़िक प्ले किया जा रहा है शायद, मुझे कह नहीं सकते, पता नहीं बजा रहे हैं, बजा ही रहे होंगे। जूस हाउस, अगर कुछ जूस वगैरह लेना है तो यहाँ पे ले सकते हैं, काफी अच्छा है। देखो दिखाता हूँ द जूस हाउस, यहाँ से काफी व्यू, अच्छा व्यू आता है। अगर कुछ हेल्दी खाना हो ऋषिकेश के अंदर, ऋषिकेश के अंदर तो यहाँ आ सकते हैं। चलो जाती नहीं, रामझूला की लाइटें जल गई है। तो भाई गीता भवन में गए थे, वहाँ पे जलेबी खत्म हो चुकी है, तो फिर एक ऑप्शन बचता है कि सकरगंदी खाने का, तो सकरगंदी खाते हैं। सकरगंदी है क्या? वो आलू चाट है। नहीं नहीं सकरगंदी बिना तली हुई है ना, बढ़िया बना दो। फाइनली रामझूला पे आ गया हूँ। सो क्रॉसिंग रामझूला, यहाँ से भी एक बार व्यू दिखा देता हूँ भाई, काफी धुंध है और इस तरफ तो पूरा ही अंधेरा है रामझूला बीच पे। पे आके तो मजा आ जाता है, ये रामझूला तो जान है ऋषिकेश की, लक्ष्मण झूला तो क्लोज हो चुका है, सिर्फ यही है कैसा बचा जहाँ पे फोटोग्राफी हो सकती है, प्रोफेशनल फोटोग्राफी हो रही है। वाह मजा ही आ गया वॉक करने का, ऋषिकेश की वॉक सुपर्ब। पहले मैं जब मैं काफी साल पहले यहाँ पे रहा करता था, तो मैं लक्ष्मण झूला और राम झूला पे ऐसे सर्किट बनाया करता था, क्रॉस किया करता था, लक्ष्मण झूला से गंगा को क्रॉस करता था, फिर राम झूला से वापस जाता था। आज मैंने यही जानकी सेतु और राम झूला के साथ किया है, ये भी अच्छा आइडिया है वैसे, सुपर, बहुत बढ़िया लग रहा है, मज़ा आ गया भाई। क्या इन्वायरमेंट है, क्या लाइटिंग है, सुपर। तो भाई अभी हमने सकरगंदी खाई ना, बिल्कुल थर्ड क्लास, वो पूरी ऐसी फेंकनी पड़ी, 50 रुपये की थी। और ये जितने भी लोग यहाँ पे बस्ती से, सीसम झाड़ी से और खारा स्रोत से, सब निकल निकल के आ जाते हैं यहाँ पे, दुकान लगा लेते हैं, खुद भी गंदे संदे से, और पूरा सब कुछ ही, सब कुछ कुछ भी खा लो बहुत गंदा मिलता है और अनहेल्दी मिलता है, इनके हाथ का तो खाया ही मत करो। भाई शत्रुघ्न घाट पे चलते हैं, यहाँ भी आरती हो रही है। वाह सुपर,
भाई यहाँ की आरती भी काफी अच्छी है। इसको तो जोत भी नीचे गिर रही है जमीन पे, बात देखो चारों तरफ आ गई आग फैल गई। बारिश की सब्जी खा गई सारी, डंडे से मारना पड़ेगा, आप डंडे से मारेंगे। कंप्लीट हो गई माँ गंगे के महामंगलमय आरती के पश्चात मंत्र पुष्पांजलि होने जा रही है। आप सभी लोग हाथ जोड़कर माँ गंगा से, आज कुछ स्पेशल है शायद, उस तरफ कुछ लोग आए हुए हैं। इस आरती में माता की डोरी लेके किसी प्रकार की भूल व त्रुटि रही हो तो हमें अपना नादान बालक समझकर क्षमा करें। इस प्रकार सभी लोग हाथ जोड़कर माँ गंगा से। ठीक है भाई, आरती ओवर हो गई है और यही वाला रास्ता वॉकिंग करते हुए जानकी सेतु की पार्किंग में चला जाएगा। अब इधर से चलते हैं ऐसे वहाँ से, कार वहाँ पे पार्क है जानकी सेतु की पार्किंग में, राइट साइड में। काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी आरती हुई यहाँ पे, मज़ा आ गया। आई होप आपको भी मेरे साथ घूमने में मज़ा आ रहा हो। यही रास्ता चला जाएगा डायरेक्ट, मेन रोड पर जाने की जरूरत नहीं है। पर यहाँ पर तो लड़ाई हो रही है भाई, बहुत संभल के चलना पड़ेगा। तो अभी मैं बिल्कुल योग निकेतन एंड संस्कृति के सामने ही हूँ, ये इसकी बैक साइड है और सब रूम में बालकनी है। काफ़ी अच्छा प्रीमियम प्रॉपर्टी है इसका। इसका जो स्पा है ना, एक टाइम पे नंबर वन था, अब पता नहीं किस नंबर पे होगा। इनका अपना प्राइवेट देखो किस तरह से, क्या व्यू आता है इनके यहाँ से, बिल्कुल सामने परमार्थ, गंगा, राम झूला, सुपर व्यू है। इसलिए इसके प्राइस भी हमेशा हाई रहते हैं, जैसे कि 8,000-10,000 रुपये पर नाइट, और हमेशा सोल्ड आउट रहता है। योग निकेतन के बाद है द नीरज गंगा हेरिटेज पैलेस आयुर्वेदिक वेलनेस सेंटर। यहाँ पे भी शायद इनका ये डाइनिंग हॉल है, यहाँ से दिख रहा है। ये इसलिए बनाए हुए हैं हम अंदर देखें, नहीं बिल्कुल इसलिए नहीं, ये इसलिए बनाए हुए हैं अंदर के लोग बाहर देखें, गंगा का व्यू पाएं। लेकिन इनका डिसएडवांटेज हो गया, अब यहाँ से कोई भी जा रहा है तो उसको ये क्लियर दिखता है कि अंदर क्या हो रहा है। काफ़ी अच्छी किचन बना रखी है आयुर्वेद टाइप ना, बढ़िया लग रहा है। सो रहे हैं, 10 मिनट में हम अपनी कार के पास होंगे और बहुत अच्छा टाइम पास हुआ। इस चीज़ में तो मैं एक्सपर्ट हूँ, आप मुझे डेली बोलो कि तेरे पास 8 घंटे हैं ऋषिकेश में टाइम स्पेंड कर, मैं बिल्कुल डेली उनको हर दिन अलग अलग तरीके से स्पेंड कर सकता हूँ। यहाँ पे बहुत कुछ है। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर उनको तो पता ही है कि मैं यहाँ 3 महीने रहा था, जब जोनी भाई भी और संदीप भी था, तो मैं बहुत घूमा डेली, कुछ से कुछ अलग अलग चीज़ें कवर की, जंगल तक मैंने छान दिए, लेकिन उसके बावजूद भी सब कुछ रह गया, 90% चीज़ें रह गई कवर करे बिना। तो यहाँ बहुत कुछ है भाई घूमने के लिए। इवन मैं यहाँ भी पहली बार ही आ रहा हूँ इस ट्रैक पे, इसको बोलते हैं आस्था पथ, ये पूरा वहीं तक ही जा रहा है एम्स तक। यहाँ पे राफ्टिंग एंड करते हैं ज़्यादातर राम झूला वाले, पूरा राफ्ट खड़ी है। ठीक है, अब ये हम उस तरफ से आए हैं और इस तरफ जा रहे हैं। यहाँ पे एक पेड़ है, यहाँ पे एक बरगद का पेड़ है, इसके नीचे जोत चल रही है और सामने जानकी सेतु, मेरे बिल्कुल सामने परमार्थ निकेतन और रिफ्लेक्शन में रिवर गंगा और उस तरफ राम झूला। काफ़ी शांत माहौल, इतने टूरिस्ट नहीं हैं। मेरे बिल्कुल राइट साइड में शुभम गेस्ट हाउस, यहाँ से वॉक करने में पता चलता है कि कौन कौन से होटल हैं, जहाँ कोई बंदा रुके तो यहाँ से एक्सेस मिल जाएगा। एक ये सामने है, इसका नाम नहीं, प्रेम आश्रम, प्रेम नगर आश्रम, थोड़ा थोड़ा सा दिखा है मेरे को, प्रेम नगर आश्रम है, हाँ ये लिखा है, श्री प्रेम नगर आश्रम शाखा मुनि की रहती है, सत्संग कार्यक्रम, आप मालूम कर सकते कभी आए तो यहाँ भी स्टे हो सकता है। आपको ऋषिकेश में हर जगह 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 इस तरह के साधु मिल जाएंगे,
जो अपने आप में ही मगन होंगे, कुछ पका रहे होंगे, खा रहे होंगे। आरती हो चुकी है हर जगह, यहाँ पे भी दिव्य गंगा आरती होती है और अब सफाई हो रही है, जितने भी ये इनके आरती करने के उपकरण थे रेत से सफाई हो रही है ढंग से। एग्जैक्ट 6:30 बैक टू कार। तो ठीक है, कार पिक कर ली है, अभी हम सबसे पहले जाना है देवी म्यूजिकल आश्रम। इंडियन क्लासिकल कुछ म्यूजिक शो चल रहा है वहाँ पे, देखते हैं क्या हो रहा है। काफ़ी फेमस है भाई देवी म्यूजिकल आश्रम, कुछ ना कुछ वहाँ पे एक्टिविटी होती रहती है। कभी आप ऋषिकेश आएँ तो वहाँ पे भी एक राउंड लगा सकते हैं।